अब ये वबा है कि दुनिया में मक्का मदीने में भी हज और उमरा बंद कर दिया गया। कभी बंद हुआ था? कोविड की जो बॉडी है, जो डेथ होती है, उसके लिए नियम है कि 8 साल 10 साल कुछ दोबारा कब्र नहीं खो सकते। हम लोगों ने पहले 107 इनकार किया था, लेकिन अभी ऐसा वक्त है कि लड़ाई झगड़ा का वक्त नहीं है मेरे भाई। अगर अमृत नगर कब्रिस्तान दरगाह का बंद हो जाता है, कौसा कब्रिस्तान बंद है, तो और ये दो कब्रिस्तान का लूट कहाँ डिवाइड करना चाहिए? आज 18 साल हो गया वो कब्रिस्तान चालू नहीं हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट ट्रस्ट है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में कब्रिस्तान के लिए अब जद्दोजहद शुरू हो गई है, क्योंकि अगर नया कब्रिस्तान शहर को नहीं मिला तो मैयत कहां दफन की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कौसा कब्रिस्तान बंद है, अमृत नगर कब्रिस्तान बंद होने वाला है, और MM वली कब्रिस्तान भी कुछ दिनों में भर जाएगी। ऐसे में कुछ दिन मैयत दफन करने में दिक्कत हो सकती है। नए कब्रिस्तान के लिए NCP के नगर सेवक शानू पठान, बबलू सैयद, आरिफ रद्दा, आरिफ पतंगवाला, ऐसे कई शहर के जिम्मेदारों ने शहर के कब्रिस्तान के लिए मीटिंग की, जिसमें अमृत नगर कब्रिस्तान के पीछे की तरफ जमीन कब्रिस्तान में जोड़ी जाएगी और MM वली में 1 एकड़ जमीन है जिसे मैयत दफन करने के लिए शुरुआत की जाएगी। और आपको बता दें कि सर्वे नंबर 107 पर अब कब्रिस्तान की शुरुआत की जा रही है, जिसका आज दौरा भी नगर सेवक शानू पठान और शहर के कुछ जिम्मेदारों ने किया है। शानू पठान का कहना है कि सर्वे नंबर 107 में हमने जायज़ा लिया और भरनी करने के बाद ही शुरुआत की जाएगी, मगर ये भी बताया कि शहर में जिस तरह से हालात हैं, नए कब्रिस्तान की बेहद ज़रूरत है। मुमरा बाईपास टोल नाके के पास खिदमत ट्रस्ट द्वारा दिए कब्रिस्तान को भी चालू करने की बात की है, साथ ही कहा कि मुमरा शहर में नए कब्रिस्तान के लिए जैसे सर्वे नंबर 107 जो सिया कब्रिस्तान के बगल में है, बाईपास के पास जो कब्रिस्तान है और MM वली में जो 1 एकड़ का लगभग कब्रिस्तान है, इन्हें मैयत दफन करने के लिए शुरुआत की जाए। इसके लिए मंत्री जितेंद्र वाड और मनपा कमिश्नर से मुलाकात की जाएगी और ज़मीन को ताबे में लिया जाएगा, ताकि अगले आने वाले दिनों में मुमरा शहर के लोगों को सर्वे नंबर 107 मिल सके, जिसमें वो मैयत दफन कर सकें। साथ ही कहा कि अमृत नगर कब्रिस्तान के पीछे की जो ज़मीन है, उसे अमृत नगर कब्रिस्तान में जोड़ा जाए, ताकि ये भी कब्रिस्तान चालू रहे, और MM वली के पीछे जो 1 एकड़ का कब्रिस्तान है, वो भी शुरुआत की जा सके। नगर सेवक शानू पठान और आरिफ रद्दा और बबलू सैयद ने मुमरा शहर को मिलने वाले कब्रिस्तान के बारे में क्या जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, जैसे अमृत नगर का कब्रिस्तान, जमीतुल मुस्लिमीन ने एक लेटर लगा के बोला कि कब्रिस्तान को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, वहाँ जगह फुल हो गई, और ऐसे में हमारे पास जो मित्तल का कब्रिस्तान है यहाँ पे, उस जगह भी मतलब वो काफ़ी हद तक भरने को आ गया। तो कोविड की जो बॉडी है, जो डेथ होती है, उसके लिए नियम है कि 8 साल 10 साल कुछ दोबारा कब्र नहीं खो सकते। तो उसी के लिए मुमरा कौसा के अंदर के सभी जिम्मेदार लोग ने जमीत मुस्लिम मीटिंग लगाया, आरिफ भाई, सलीम भाई, मुश्ताक भाई, जितने भी जिम्मेदार, बबलू सैयद, जितने भी हमारे सब लोग हैं, उस सभी लोगों ने मीटिंग लगाया, और उस मीटिंग में हम लोगों ने जमीत मुस्लिम से बात किया। उसमें हमने तीन चार, ये सब जिम्मेदारों ने तीन चार हम लोगों ने निर्णय और उपाय निकाला डिस्कशन में। एक कि अमृत नगर के कब्रिस्तान के पीछे 2 से 4 घंटा जगह है, उसको लेके उस अमृत नगर कब्रिस्तान में मिलाया जाए। दूसरा, 107 नंबर सर्वे नंबर पे जो शिया कब्रिस्तान को टच है, वो जो जगह है उसको लेके उस पर काम शुरू किया जाए। साथ ही में मित्तल में कब्रिस्तान पे एक जगह है, उसको बढ़ाया जाए। इन सभी बातों को लेके गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से हमारी बात हुई, और सैदली भाई साहब से भी मैंने इस बात पे बात की कि स्टेशन के कब्रिस्तान के लिए स्टेशन पे कौन सी जगह होना चाहिए। तो ये बात होने के बाद हम लोग ने जगह पे आज सभी लोग ने, जिम्मेदारों ने इस जगह पे सर्वे किया, और इंशाल्लाह ताला हम कल डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से सभी जगह के ऊपर बात करके कमिश्नर से मीटिंग करेंगे, और इन जगहों को हमारे ताबे में देने की मांग करेंगे, और इसे जल्दी से जल्दी हम ताबे में लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम सभी जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ साहेब महल, कोई बिल्डर है, कोई जिम्मेदार है, कोई अलग अलग बिजनेसमैन है, आरिफ भाई से लेकर जितने भी लोग हैं, शाकिब भट है, मैशर भाई, सब कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने साहेब महल बनाया। हमने ये भी डिस्कशन किया कि ज़रूरत पड़ी तो हम हमारे पास से जो भी हो सकेगा पैसे की इमदाद करके आने वाले वक्त के लिए कब्रिस्तान के लिए दिक्कत ना हो। कभी कोविड में हालात बिगड़ते और ऐसे में क्या करना चाहिए, कोविड के लिए स्टेशन पर नज़दीक कोई कब्रिस्तान होना चाहिए तो वो कहाँ जाए,
अगर अमृत नगर कब्रिस्तान दरगाह का बंद हो जाता है, कौसा कब्रिस्तान बंद है, तो और ये दो कब्रिस्तान का लूट कहाँ डिवाइड करना चाहिए? तो रशीद कंपाउंड में जो एक कब्रिस्तान लग के विवादित बाईपास पे उसकी बात कर रहे हैं, और ये तीनों चारों कब्रिस्तान पे क्या करना चाहिए? अगर ये जगह मिलती है तो हम शासन से भरने करके बाउंड्री बनाए, क्योंकि हम हमारे पास से ताउन करके उसको काम को शुरुआत करें, ताकि मुमरा कौसा के आने वाले टाइम पे कब्रिस्तान का इशू, जो दिक्कत हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो कम ही हो सके, ऐसे हमारी मांग है। अभी कब्रिस्तान पे आप यहाँ एमएम वैली के आए थे, तो यहाँ पे ज़्यादातर कब्रिस्तान जो जगह है यहाँ पे तो तैयार है, तो इसको क्यों जल्दी शुरू नहीं किया जाएगा? ये तैयार है, ये देखने आए। अभी कब्रिस्तान एमएम वैली पे है, लेकिन हमने ये भी कब्रिस्तान देखे। हमारी बात ये है कि सभी स्टेशन के पास के जिम्मेदार लोगों का ये बोलना है कि स्टेशन से तो नज़दीक हो सके वो कब्रिस्तान के लिए, तो वो सर्वे नंबर भी हमने देखा है 107। तो कहाँ पे हम कौन सा कब्रिस्तान जल्दी दे सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कल गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र राव साहब से बात करके कमिश्नर के पास बैठेंगे। हम सभी लोग इस पर चर्चा करके एक राय से जो भी कब्रिस्तान होगा वो फाइनल करेंगे। अच्छा, सर्वे नंबर 107 कुछ दिन पहले भी दिया जा रहा था, जिसमें विवाद भी चल रहा था, लेकिन लोगों ने, शहर के लोगों ने लिया नहीं था, लेकिन अब उसी कब्रिस्तान को लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शहर उस टाइम की बात अलग थी, अब वबा आई है पूरी दुनिया में। अब ये वबा के दुनिया में मक्का मदीने में भी हज और उमरा बंद कर दिया गया, कभी बंद हुआ था? उसके तहत पे आज ये निर्णय हो रहा है, उस टाइम की बात अलग थी, ये वबा की बात अलग है। अब इस टाइम पे निर्णय कोई भी हम सबको मिलकर लेना पड़ेगा, शहर के नहीं, वो वबा अलग थी। आज पूरी दुनिया ऐसे महामारी से दलदल की जमीन, तो आप लोग वहाँ भरनी जो है कितना कराएंगे? वो तो मिलने के बाद इंजीनियर बताएगा कि पानी का लेवल क्या है, उस हिसाब से ही काम कम पड़ गए। हम लोग ने जहाँ तक शिया कब्रिस्तान वाले से बात किया, उनका ये बोलना है कि उनने कब्रिस्तान लेने के बाद 5 फुट की भरनी की। हमारे ये सभी जितने भी यहाँ जिम्मेदार खड़े, उन लोगों ने ये सोचा है कि 8 फुट की भरना करनी चाहिए। तो हम ये सब एक राय से पहले मशवरा करेंगे और फिर उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। अमृत नगर का जो कब्रिस्तान का जो लेटर है ना, व्हाट्सएप पर घूम रहा था कि भाई इधर जगह फुल होने वाली है, 50-60 आदमी लोग की जगह है। हालांकि 3 साल पहले उधर भरनी कराया था मैंने, पूरा रीजनरेट कराया था, पूरा फुल हो चुका है। अब जगह इधर एमएम वैली के अंदर में भी 2-2.5 महीना चलेगी, तो अब करे तो करे क्या? अब ये कोविड की रोज की 15-20-25 मैयतें आती है, क्या करोगे? आज सर्वे में क्या हुआ, क्या नजर? आज सर्वे में 107 देखे, हम लोगों ने पहले 107 इनकार किया था, लेकिन अभी ऐसा वक्त है कि लड़ाई झगड़ा का वक्त नहीं है मेरे भाई, अभी जंग का वक्त नहीं है, अब सुलाई का वक्त है। अब जो ठीक लगे, जो अच्छा लगे, दफन होने के लायक जगह होए और अच्छी जगह होए, अच्छी भरनी होए, वो काम हम लोग करेंगे। तो बाईपास पे जो 1.5 एकड़ जमीन है, बाईपास पे देखो साहब, तो उसकी मांग आप लोग क्यों नहीं कर? अरे वो बाईपास पे हमने 40 दिन हमने उसके पीछे घुमा, उनका ट्रस्टी अहमद, क्या खिदमत ट्रस्ट के अहमद भाई है, नहीं वो हमीद भाई के नाम पे की जमीन है, 70 लाख रुपया उन्होंने दिया है। आज 18 साल हो गया, वो कब्रिस्तान चालू नहीं हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट ट्रस्ट है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। हमने वो हजरत के पास भी जाके आया, हजरत भी सारी मजबूरियाँ बताए, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? क्या बताया उन्होंने मजबूरी? उन्होंने भाई वो खुद उनका क्या मालूम क्या है, वो ज़्यादा डीप में गया नहीं, या फिर बाद में बोला, मैं बोला यार जाने दो, अभी ये इनका प्राइवेट ट्रस्ट है, अपना तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें, और टेंशन से अपने दूर भी है, और टेंशन से दूर भी है, और वो उनका लिटिगेशन अभी क्या है उतना तो नहीं मालूम मेरे को। एज ए मुस्लिम हमारी ज़रूरत ही है, स्टेशन के करीब में जिस हिसाब से कब्रिस्तान अमृतनगर का फुल हुआ, और ये जो कब्रिस्तान है इसमें भी दिन ब दिन मैयतें जो बढ़ते जा रही, जगह कम पड़ रही है, उसके लिए आज हम लोग कब्रिस्तान का ऑप्शन देखने के लिए निकले थे। क्या ऑप्शन नजर आया? क्या नजर आया? ऑप्शन तो ये नजर आया कि जो 107 के ऊपर पहले ही ऑलरेडी बूढ़ी भाइयों ने किया है, शिया भाइयों ने किया है, तो आगे हमको भी करना चाहिए, उसके बारे में एक चीज सोचे, और उसके बाद में फिर अभी शानू भाई के साथ में आया, व्हाट्सएप में जो कब्रिस्तान माशाल्लाह इतना अच्छा बना है, उसके अंदर भी एक ऑप्शन है, पीछे 1 एकड़ की जगह है, तभी अवार्ड सबसे बात करके बाकी सब नासिर भाई, आरिफ पतंग, शानू भाई, लोग सब लोग मिलके। क्या पूरा डिटेल क्या निकला, कब तक ये कब्रिस्तान जो है शहर को मिलेगा, जो सर्वे नंबर 107 है, और भी जो डिटेल यही है अमृत नगर के पीछे का एरिया, कल इस पे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और कमिश्नर साहब से मीटिंग करके ये पॉइंट, ये सब डिस्कशन उनको दिखाया जाएगा, और तुरंत निर्णय लेके मुमरा शहर को एक और कब्रिस्तान की जगह दी जाएगी, ये सभी के मशवरे से तय करके इंशाल्लाह। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।